ये आपका घर रेंट पे अपना है? रेंट पे। पानी डाला मना है इस पे? पानी टैक्सी होगा, इसमें सारा छेद है। आप अकेले हो अभी? आप अकेले हो अभी? कोई है नहीं? भाभी वगैरह का बाहर है? आप उठ के भी नहीं आ सकते बाहर? आप थोड़ी बहुत जा सकते? टॉयलेट वगैरह चले जाता, पहले नहीं जाता था, अब चले जाता। पहले तो फिक्स 6 महीने तक ऐसा ही बैठा। ये तो वो जान पहचान का गली में है तो उसे मांग के लाया चला। तो गर्मी में कैसे है? किसी तरह से ऐसा ही। बाहर बैठ सकते? हाँ बाहर। उठ जाओगे? उठ सकते हो? अगर दिक्कत हो तो पता। दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, नहीं मैं लाइट यहाँ लगवा देती हूँ। गर्मी वैसे बाहर बहुत गर्मी है। आराम से आर पार है सारा। क्यों आर पार? कैसे मतलब? ये आर पार थोड़ा इधर से यहाँ ला रखा है, ये यहाँ से यहाँ ला रखा है। ओके। 400 से फंसा मैं इसके चक्कर में। हटेगा कभी? इसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं हो पाता सही से, इसके चारों ये जुड़ नहीं पाता, इसके कारण हट नहीं पाता। सो गाइस, ये है मोहम्मद इसराइल। इनके मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए थे 6 महीने से। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इनको भी किया था। 3 बार रिप्लाई दिए थे लेकिन जब मैं रिप्लाई करता था नहीं पता। तो मैंने कैनी ने मेरे को बताया, कैनी दीदी का 2 महीने से कंटिन्यू। हाँ, फिर कैनी ने मुझे बताया, तब मैंने देखा, फिर उनकी मैंने सिचुएशन पूछी क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने मुझे फोटो वगैरह भेजी। तो आज मैं टाइम निकाल के उनसे मिलने आई हूँ। एड्रेस ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे हम। तो कभी घर पे कोई भी नहीं है? नहीं, पापा तो एक हाथ से एक पैर से विकलांग है, कान से सुनते हैं। तो वो कहाँ है? पापा कहाँ? पापा बाहर आएंगे, वो घूमते रहते थोड़ी बहुत। अच्छा, ऐसी कोई जॉब नहीं थी। तो अभी घर में भाभी वगैरह कहाँ है? आप इतनी गर्मी में बैठे हुए हो अंदर? ऐसा ही करते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो तो ये फैन उससे मांग के लाया, जान पहचान का। तो कूलर वगैरह नहीं है? पैसे उसे नहीं है ना। सर मैं हॉस्पिटल गया था, अकेला ही जाता हॉस्पिटल भाई। 4 साल हो गए ना, कोई सपोर्ट। ये हुआ कैसे था? ये मैं सही था, पहले खेल कूद रहा था, आराम से पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। गाँव में? कहाँ पे? दरभंगा जिला। पढ़ाई करते थे? कौन सी क्लास में? मैं 9th। उसके बाद पढ़ाई नहीं करा? नहीं, उसके बाद कहाँ, 10th भी कम्प्लीट नहीं हुआ। अच्छा।
अच्छा जब मैंने जैसे कि पढ़ाई करते हैं आप संडे को टाइम मिल जाता है तो हम काम उम कहीं मिल जाए तो बिलदारी करके वो कर लेते हैं खर्चा ही हो जाता तो अभी खर्चा कैसे चलाते हो खर्चा हो जाता था हो जाता खर्चे उसी के लिए पैसे तो वो यही करते थे पढ़ाई करते थे अचानक सा इसमें हल्का सा दर्द होने लगा अब दर्द का गोट टैबलेट ले लेते ठीक हो जाता था फिर वो नहीं हुआ आराम गाँव में दिखाया डॉक्टर से दवाई लिख दिया तो ये फूल गया पूरा तो पैर में ऐसा क्या हुआ क्या था एकदम पता कोई एक्सीडेंट हुआ कहीं कुछ से गिरे? नहीं कुछ नहीं कहीं ना गिरे नहीं कुछ किए तो ये हुआ अचानक, कैसे हुआ अचानक सा और मतलब अचानक हुआ ना गिरे ना कुरे तो ये क्यों डाला ये क्या बता रहा हूँ ना ये क्यों डाला ये तो यहाँ डाला सब दर्द क्यों ये फ्रैक्चर जुड़ नहीं रहा था अच्छा और ये इन्फेक्शन वाली जगह था तो वो इन्फेक्शन वाली जगह के कारण ना ये अगर प्लेटिंग करता ना इसमें तो इन्फेक्शन फिर से हो जाता तो वो काटना पड़ता था तो ये अब डॉक्टर ये कब से लगा पड़ा आपके ये 7 महीने 7 महीने हो गए तो 7 महीने अभी हटेगा कब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता सही से जैसे कि आप दवाई के लिए पैसे दिए गए हॉस्पिटल तो जा रहे थे आधा रास्ता में लेके ये टूट गया तो साथ से गई अब दवाई मिली तो दवाई कितने की आती है आपकी दवाई अब डॉक्टर पे डिपेंड करता है डॉक्टर ने कब तक बोला कब तक ठीक होगा कब तक कितनी दवाई चलेगी बोला था 6 महीने में ठीक हो जाएगा लेकिन जुड़ा नहीं अभी तक कि वो तो डॉक्टर ने फिर से बोला कि साल भर भी जा सकता है अपना जो ट्रीटमेंट है वो लेते रहे कंटिन्यू और अगर हम कंटिन्यू करते रहें तो ये ठीक हो जाएगा तो अभी आपको इसके रिगार्डिंग क्या हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग आपको ये आपका घर रेंट पे अपना है अच्छा अच्छा 2500 रुपए इसका रेंट जाता है और रेंट कौन देता है भाई देते हैं भाई क्या करते हैं भाई सिलाई सिलाई कितने भाई हैं तीन भाई हैं और भाभी दो है गाँव में अच्छा और अभी यहाँ पे कौन कौन रहता है आपके साथ मेरे साथ मैं रहता हूँ भाई रहता है भाभी रहता है नीचे पापा रहते हैं कलेश हो जाता है हमारे वजह से क्यों लड़ाई क्यों थी 4 साल से बीमार हूँ सब तो नीचे रहता पापा और मेरे भाई मेरे चाचा का लड़का वो और एक मेरा भाई का साला वो ये सब अलग बनाते नीचे खाते हैं तो आप कैसे खाते हो आपको कौन खिलाता है भाभी बनाते हुए खिलाते हैं अभी ये लोग भी 10 दिन में चले जाएंगे फिर वो लोग देंगे तो खाएंगे 10 दिन में कौन चला जाएगा भाभी लोग चले जाएंगे भाभी वगैरह चले जाएंगे और यहाँ पे कौन रहेगा आपके साथ कोई नहीं बस मैं अकेला ही बैठा हूँ वही 9 बजे रात को भाई आएंगे तो आएंगे तो आप खाना कैसे खाना नहलाना आपको कैसे होता है कैसे करते हो किसी तरह से अकेले या कुछ कोई हेल्पर रहता है हेल्प भी कर दो अच्छा पानी वानी वहाँ रख देते हैं आप नहा लेते हो नहाते कहाँ नहा नहीं पाते मतलब अच्छा पानी डालना मना है इस पे पानी इंफेक्शन होगा इसमें सारा छेद है हाँ वही आप देखो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा आप इसमें ये सारे यहाँ से यहाँ छेद करके वो करे हुए हैं अगर ये हटा तो ये तो छेद ये कैसे ठीक होगा धीरे धीरे अपने आप कवर होगा यहाँ पे खाना पहले एक यहाँ से यहाँ कर रखा था यहाँ तो इसको करते समय आपको कितना दर्द हुआ होगा गहीर का सुई दे रखा यहाँ से हड्डी काट के डाला यहाँ से क्या काट के डाला हड्डी काट के इसमें डाला यहाँ से हड्डी काट के इसमें डाला 5 घंटा लगा था जब ये बिना किसी एक्सीडेंट बिना किसी चीज के ये आपको हुआ कोई बीमारी कुछ है थी क्या ऐसी बोले तो अचानक से इन्फेक्शन हो गया इसमें अब इन्फेक्शन का गांव में ठीक नहीं हुआ दरभंगा में गया मेरा जिस्टी के लिए उसमें गया उसमें 4-5 लाख रुपए खर्चा हुआ तो उसमें क्या हुआ ठीक हो गया इन्फेक्शन दूर हो गया वो हड्डी कमजोर था वो हड्डी में छेद कर रखा था वो डॉक्टर ये हड्डी को जोड़ने के लिए किया गया हाँ ये हड्डी को जोड़ने के लिए किया गया तो वो जो छेद कर रखा था ना डॉक्टर तो मना कर रखा था चलने उलने के लिए तो जैसे टॉयलेट वॉयलेट नहीं जाते अब जैसे प्रॉब्लम ऐसा ही था उस टाइम भी तो आप वॉशरूम वगैरह कैसे जाते हो तो वॉशरूम गए थे ना तो गिर गए थे तो उसी में टूट गया फिर वहाँ पे 4-5 लाख रुपया खर्चा हो गया तो उतना कमाई था नहीं मेरे पापा का फिर मुश्किल से उतना रुपया जुटा था तो
फिर पैसे उसे नहीं था तो इस कारण दिल्ली चले आए। अब दिल्ली सफदरजंग में 3 साल से सर के पास, 3 साल एक बार ऑपरेशन होता तो लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, फंस गए थे पूरी तरह से यहाँ उस मकान में। दूसरी बार ऑपरेशन होता तो फिर से लॉकडाउन आ गया था। तीसरी बार जाकर के किसी तरह से ऑपरेशन को कितना टाइम हो गया, बोले तो सात महीने हो गए ऑपरेशन को। 4 तारीख को हुआ था, अच्छा चार अक्टूबर को हुआ था। और ये हटेगा कब तक, जब तक ठीक नहीं हो जाता? जब तक ठीक नहीं हो जाता, जब तक ऐसी रहेगा। बोला इतना मेहनत किया हूँ, यहाँ से हड्डी काट के डाला हूँ। दवाई चल रही है आपकी? दवाई कौन लाता है? पापा दवाई बाहर से नहीं खरीद पाए थे तो उन्होंने अंदर से लिख दिया था, 2 टेबलेट लिख दी तो वही लेते रहते हो। उससे ठीक हो जाएगा ये? तो क्या कर, उतना अर्निंग नहीं है पापा। नहीं वैसे कितना इसमें पैसा लगेगा जिससे ये ठीक हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए, कंटिन्यू दवाई लगा कर, कितना लगेगा? हर महीने बुलाते हैं तो हर महीने बुलाते हैं। इस बार मैं अकेला ही गया था, भाई मना कर दिया। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब घर वाले भी इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब थक गए ना पापा के, पापा एक हाथ से और एक पैर से विकलांग है, कम सुनाई देता है। कोई नहीं आएंगे, कोई मिलेंगे हम उनसे। विकलांग हैं और मम्मी की तबीयत खराब थी, मम्मी गांव में रहते हैं, भैया भाभी इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, परेशान है इससे कि निलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। तो पैसों की थोड़ी रिक्वायरमेंट है, जॉब चाहिए। जॉब ये बताओ, जॉब आप करोगे कैसे? अभी नहीं, जैसे ठीक हो जाए तो उसके बाद। कोई नहीं, मैं जॉब का आपका जॉब का करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं टेंशन मत लो, ठीक है? करवा देते हैं, कोई जॉब देख के करवा। कोई नहीं, जॉब आप अब 10th तक करिए, 10th कंप्लीट है या नहीं है? 10th कंप्लीट नहीं है। बोले तो उसी टाइम से बीमार, उस टाइम से मैं स्टडी कर ही नहीं, इससे छुटकारा ही नहीं मिला स्टडी। अब इसमें ये बताओ कि इस इलाज में कितना पैसा आपका लग जाएगा जो ये पूरा ठीक हो जाएगा, आपकी दवाई ये हटाना? अभी अभी तक कितना लग चुका है यहाँ पे? यहाँ सफदरजंग में लग चुका है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए दवाई वाई लेके ये ऑपरेशन करवा, ऑपरेशन में कितना लगा? गाड़ी से आ जा 300 रुपया जाना, 300 रुपया। और अभी तक ये ऑपरेशन में कितना लगा था? ऑपरेशन में दिया था मैंने ब्लड का दिया था 45 रुपए, ब्लड किसी से लिया, ब्लड लिया, ब्लड पहले लेता ऑपरेशन करेगा। और बाकी ये बही वेयर करने का लिए इंजेक्शन आ गया था, 1500 इंजेक्शन आया था, और इधर उधर दवाई वाई में खर्चा लगा, मैक्सिमम 20,000 का ऑपरेशन। अभी आपकी दवाई सब है आपके पास? हाँ दवाई अभी बाहर से लिखे तो नहीं ले पाए थे ना, तो अंदर से। बाहर से कितने की है दवाई? बाहर से जो लिखी है वो वहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिल पाता। कहाँ पे मिलता है? सफदरजंग के गेट पे मिलता है। यहाँ कहीं मेडिकल पे नहीं मिलेगा? अच्छे मेडिकल पे, बाहर पे मेडिकल पे नहीं मिलेगा? मिलेगा, सेम दवाई नहीं मिलता। तो वो दवाई कितने की है? और वो दवाई लेते हैं तो डॉक्टर भी दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलते नहीं ये नहीं है सेम दवाई। दवाई मिलती नहीं है जो लिख के देते हैं? दवाई मिलती है, मेन मेडिकल से मिलती है। दवाई की कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होगा? बताओ कहाँ पे, मैं खुद दे दूँ पर्ची। हाँ दे दूँगी, ठीक है, वो पर्ची मेरे को दे देना, मैं पूछ के बता दूंगी दवाई। देखना एक बार दवाई की पर्ची लाओ, मैं देख लेती हूँ दवाई कैसे मिलती है तो मैं ला दूंगी आपकी। वैसे कितने महीने की दवाई है ये? अभी दीदी 9 दिन की दवाई है, इसे रहने दीजिए, मैं 9 दिन बाद जाऊँगा सफदरजंग, उसके बाद जो दवाई लिखूंगा वो मंगा। ठीक है, मेरे को बता देना उसके बाद कौन सी दवाई मंगानी, मैं आपको ला के दे दूंगी, ठीक है? फिर लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो बिजली का बिल आता है ये किस हिसाब से आता है? 9 रुपये यूनिट लेते हैं। 9 रुपये यूनिट बहुत ज़्यादा नहीं है? अगर यहाँ पे फिसल हो गया, यहाँ गिरने का भी डर रहता है, इसे खाली करो तो ये पानी यहाँ से जाता नहीं है? अरे जा रहा था पहले, सही था तो फिर अचानक जाम। तो आप मकान वाले को बोलते क्यों नहीं ठीक कराने के लिए? मकान वाले के यहाँ रहता नहीं है, और वो जो किराए लेते हैं उनको बोलते हैं तो नॉर्मल यूनिट भी डोमेस्टिक भी 4 रुपए, अगर किरायेदार से लेते तो वो भी लास्ट यूनिट 6 रुपए से 6-7 सब लेते हैं, 7-8 यहाँ का इतना ज्यादा क्यों है? ये यहाँ का इतना ज्यादा क्यों है? डिपेंड करता है ना इनसे ले रहे हैं मकान मालिक, पानी के अलग देते हैं 20 रुपए। 20 रुपए किस हिसाब से? जैसे कि एक रूम है तो 20 रुपए महीना, 20 रुपए महीना ले जाते हैं 20 रुपए। आपके वैसे बिल कितना दे देते हो महीने का, कितना आता होगा बिल? क्या बिजली का? अब तो ज्यादा आएगा क्योंकि इस बार 2 फैन चल रहे हैं। फिर भी अभी कितना महीने का देते हो बिजली का बिल? 500-600-700। अगर यहाँ पर कूलर लग जाए तो
ये लिख रहा था बाहर से, अंदर से तो ये इधर लिख रहा था, ये पूरा लिख रहा था। ये दवाई अंदर से लेनी है? अंदर से। ये अभी अभी कौन सी जो आपकी दवाई जो मेन थी वो कौन सी? अभी यही चल रहा है और कोई नहीं चल रहा है। अभी जब ये जाओगे 20 तारीख के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो मुझे बताना, ठीक है? मैं दवाई ले लूंगा जो भी होगा दवाई का, ठीक है? और जॉब का तो आप ये हटने के बाद ही करोगे। हाँ, जब ये तो ठीक होने के बाद ही, जब ठीक हो जाते ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वो मैं बात करूंगी जॉब की, जो भी मेरे से होगा वो जो मैं पूछ के आपको बता दूंगी। हाँ, करवा दूंगी अभी नहीं, मैं जॉब के लिए बोल रहा। हाँ अभी तो कर भी नहीं पाओगे आप, कैसे चलोगे? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक हो जाओ आप, पहले दवाई वाई लो अच्छे से, जो भी दवाई है मुझे बता देना। बाकी आपको वो इनकी हेल्प करनी हो तो मैं इनका नंबर दे दूंगी। और आपका पेटीएम वगैरह है? पेटीएम फोन पे सब है? किस नाम से? आपके नाम से ही है? ठीक है, यही नंबर जो मेरे पास है ना, ठीक है? तो मैं इनका फोन पे नंबर और इनका कॉन्टेक्ट नंबर, आप इनसे मिल भी सकते हो। यहाँ कौन सी जगह है ये? संगम विहार, आगे खानपुर संगम विहार, खानपुर संगम विहार, डी वालो गली नंबर 5, मकान नंबर 558, रतिया मार्ग संगम विहार। ठीक है, मैं पूरा एड्रेस, मदीना मस्जिद, ये मदीना मस्जिद इनके घर के सामने ही है, इनके बिल्कुल घर के सामने मदीना मस्जिद है। तो मैं पूरा एड्रेस दे दूंगी, किसी को मिलना भी हो तो आप यहाँ के मिल सकते हो इनसे। आप देख सकते हो इनकी कितनी प्रॉब्लम है, और घर में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। मम्मी पापा की तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि वो खुद ही अपने लिए कर लें, वही बड़ी बात है, इनको कौन संभाल सकता है? भैया भाभी हैं वो उतना सपोर्ट नहीं करता। अब जैसे पूरे घर में अकेले अंदर बैठे हुए, गर्मी में कोई भी नहीं है पूरे घर में, वो भी इस रूम में। बताओ उस रूम में आप देख सकते हो कितनी गर्मी हो रही है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनकी हेल्प हो सके, आप जैसे मर्जी हेल्प करना चाहो, चाहे कोई जॉब बता सको। बाकी मैं जॉब इनको बताऊँगी, इनका थोड़ा पैर ठीक हो जाए। अभी कह रहे हैं अगले महीने जाना है डॉक्टर के पास, वहीं हॉस्पिटल। इसी महीने 20 तारीख तक जाओगे, तो वहाँ जाके जो भी वो दवाई लिख के देंगे वो मेरे को दे देंगे प्रिस्क्रिप्शन, तो मैं इनको दवाई ला दूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि इनके कूलर के लिए कुछ कर दूँ, लेकिन इनका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। 9 रुपये यूनिट ले रहे हैं, 2500 रुपये इस घर का किराया दे रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। जो कि भैया दे रहे हैं इनके किराया, इनको रखा हुआ यहाँ पे, अब ये कह रहे हैं भैया भी अब भाभी भी गांव चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपके साथ कौन रहेगा? वही पापा लोग रहेंगे, वो लोग नीचे रहते हैं ना। अच्छा, एक छोटे रूम में थे तो वो खाना वाना खिला देते हैं आपको, है? इसी में रहेंगे, इसी में खाएंगे उसके साथ। चलो मैं देखती हूँ पहले यहाँ पे मिल जाए कोई वैसा कूलर की जिसमें थोड़ा बिल इतना ज़्यादा ना हो, इनके लिए हो जाए, गर्मी बहुत है। और मैं साथ उनकी हेल्प हो सके, हेल्प करते हो तो नहीं? मैंने बहुत सारे टाइम से देखा था, तो आपने, मैंने देखा वहाँ पंजाब जाके आप हेल्प किए, तो मैं सोचा पंजाब गए तो आप संगम विहार तो आ ही सकते हैं। आ तो जाते हैं हम पहले भी, हमारे पास जो मैसेज आते हैं, हमें मैसेज दिख नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं। जो भी हम मैसेज देख लेते हैं ना, उससे हम जरूर मिल के आते हैं। जो भी हमसे हो सकता है हम उतनी हेल्प करते हैं अपनी तरफ से। बाकी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे जो होता है वो उनकी हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से। आपसे कोई भी हेल्प हो सके, ज़रूरी नहीं आप लाखों की हेल्प करो, 10, 20, 50, 100, 1000 जितने की आपकी हो सके आप इनको फ़ोन पे पेटीएम करके हेल्प कर सकते हैं, जिनसे इनकी दवाई आ जाए। आप जैसे ये बोल रहे हैं कि दवाई लेने गए थे इनकी स्टिक टूट गई, तो वो जो दवाई के पैसे से उनकी स्टिक आ गई तो दवाई नहीं आ पाई, तो दवाई इन्होंने अंदर से वही जो उन्होंने दी वही ली, बाहर वाली दवाई नहीं ले पाई। तो मैं चाहती हूँ कि दवाई और इनका खर्चा निकल जाए। अंदर से भी लिखते हैं तो आप 5 लिखे तो 1 मिलेगा। कोई नहीं, दवाई का आप मुझे बताना, मैं करवा दूंगी। दवाई का पर्चा मुझे भेज देना, मैं करवा के आपको भिजवा दूंगी, ठीक है? और जॉब का जैसे ही हो जाएगा ठीक, मेरे को आप कॉन्टेक्ट कर लेना, नंबर है आपका, आपके पास मेरा, मैं जॉब का पूछ लूंगी आपको, ठीक है? टेंशन मत लेना। और आपसे जो भी हेल्प हो सके, चाहे इनका दवाई से रिलेटेड हो, इनसे रिलेटेड हो, कोई जॉब से, तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर लेना। नंबर मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस भी दे रही हूँ, आप इनसे मिल भी सकते हो यहाँ पे आके संगम विहार में, ठीक है? तो अभी जो अंदर पंखा भी जो लगा हुआ है, इन्होंने सामने वाले पड़ोसी से मांगा है, क्योंकि इनके यहाँ पे पंखा वो जो ऊपर है वो चलता नहीं है, क्या है? कौन वो चलता है? हाँ। उससे कुछ फर्क पड़ता है इतना गर्मी में? थोड़ा सा जान बचा है के लिए, कूलर देख लेती हूँ बाहर से, कूलर ला के लगा। मैंने सोचा ऑपरेशन करा लेता हूँ, 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, इसलिए तो बहुत लंबा केस लिया। आप यहीं बैठो, रेस्ट करो, मैं कूलर पूछ के आती हूँ बाहर से, ठीक है? मेरा भी कूलर ना मेरे पास था, मैंने मम्मी ने बेच दिया था, वो वही दे देती, उसकी ना मोटर बहुत हैवी है।
कहीं डाल लेना, लगवा लेना किसी कहीं खुद ही करने लगे हो। नहीं भाई, बाकी अपनी दवाई का मुझे जब जाओगे 20 तारीख को तो मेरे को भेज देना, ठीक है? जैसे मुझे टाइम दे वहाँ से दवाई लेके आपको दे जाऊँगी, आपको भिजवा दूँगी, ठीक है? जॉब का भी मैं बता दूँगी, कुछ ही जैसे ही आपको करेगा कि मेरे को बता देना, मैं जॉब का बता दूँगी, बाकी जो भी दिक्कत है मेरे को, ठीक है? और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई की जितनी हेल्प हो सके आप उतनी कर सकते हो, जितना आप कर सको उतनी करो, ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा करो। कोई जॉब से रिलेटेड हो तो बता सकते हो, कोई इनसे रिलेटेड हो जिसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके तो वो बता देना, ठीक है? मैं इनका नंबर इसमें दे रही हूँ, डिपेंड डिटेल है, तो मेरे को सारा व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? नंबर, फोन पे, पेटीएम, एड्रेस पूरा मुझे पूरा व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? सारी चीज़ डिटेल, मैं पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इनसे मिल सकते हो यहाँ पे आके, एड्रेस भी दे दूँगी, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर भी दे दूँगी, फोन पे, पेटीएम जो करना वो कर सकते हो, अकाउंट नंबर भी दे दूँगी, जो भी आपको करना हो आप उसको हेल्प कर सकते हो, जॉब से रिलेटेड भी हेल्प कर सकते हो, और इससे अगर ट्रीटमेंट से जिस आपसे हो सके आपको पता हो तो आप उनसे भी इनको कॉल करके बता सकते हो या करवा सकते हो, ठीक है? मेरे से अभी जो हुआ है मैंने अभी किया है, बाकी इनकी जॉब में बताऊंगी, इनको दवाई में दिलवा दूंगी। हार्ड वर्क में करने से तो पैर तो वही है, हाँ नहीं हार्ड वर्क देखो इनके हाथ पे भी ये क्या हुआ था, ये भी टूट रखा है, सही जैसा ये है नहीं, अच्छा मतलब कि ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते ना, ज्यादा हार्ड वर्क, चलो चीज तो आर्टिफिशियल होगी ना, वैसे कोई जॉब देंगे, ये भी जो है ये जो है ये मुड़ेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा, ये ठीक भी हो जाएगा तो ऐसा ही रहेगा, अगर ठीक भी हो जाएगा तो ये फोल्ड नहीं होगा, सीधा रहेगा, मतलब इसके लिए भी 3-4 लाख रुपए चाहिए, तो बाद में जाके जब ये इसको दूरबीन से हो सकता है तो मुड़ेगा नहीं तो मुड़ेगा, एक बार दूरबीन से ट्राई कर सकते हैं, अगर हो तो हो, नहीं तो नहीं होगी, मतलब जब ये चलने लायक तो हो जाएगा, चलने लायक बस फोल्ड नहीं, चलो पहले तो आप ये निकलवाओ, पूरा ट्रीटमेंट करवाओ इसको, उसके बाद डॉक्टर से पता करना क्या होता है, ठीक है? बाकी मेरे से जितना होगा मैं कर दूँगी, दवाई वाई का मुझे बता देना, ठीक है? बाकी ये जो लगे मैं इनको बोल ही दी, आप जिससे जितनी हेल्प करी उतनी कर देना, और इस वीडियो को लाइक मत करो, कुछ मत करो, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतनी इनकी हेल्प हो सकेगी, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? तो मैं आपसे दोबारा मिलने आऊँगी जब कब हो जाएगा, देख सकते हो जब ये ज़्यादा चलता है, जैसे हॉस्पिटल में जाना होता है तो उसके पैर से इतना ब्लड निकला था, ये जो यहाँ पे इनके छेद हो रखे हैं ना, इनके पैरों से जो यहाँ पे ये आप देख रहे हो छेद है, ये छेद हो रखे हैं जहाँ पे इनसे ब्लड निकलता है ज़्यादा चलने पे, जोर डालने पे, आधा के जी से ज़्यादा। खाना वाना खाया आपने? चलो अभी घर पे कोई है भी नहीं जिससे हम मिल सके, भैया भाभी कोई नहीं है, पापा भी नहीं है, अकेले ये हैं, तो इनसे हम मिल लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, ही रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक सा, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम इनसे हम नेक्स्ट टाइम मिलने आएंगे जब इनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और इनकी दवाई देने आऊँगी जब मैं मिलाऊँगी इनको आपसे, ठीक है? चलो गाइस हम जा रहे हैं, ठीक है? और अपनी डिटेल सारी भेज देना, और ये कूलर लगा के ना मुझे फोटो भेजना पक्का, ठीक है? रात में 9 बजे आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, जैसे भैया वहाँ भी आएंगे तो ये कूलर लगवा लेंगे, तो अभी हम जा रहे हैं, अब जब आप दवाई लेने जाओगे वहाँ पे तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेज देना, ठीक है? अभी यहीं बैठे रहना, अंदर गर्मी कूलर, अंदर गर्मी है, यहीं कूलर बैठ के ये बैठ रहा हूँ, ठीक है? टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, जॉब का बताऊंगी मैं आपको, पहले ये ठीक हो जाओ, जो भी दवाई हो कुछ भी हो तो मुझे बताना, बाकी ये लोग हैं ये सारे हेल्प करेंगे आपकी जितना होगा, ठीक है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करना जिससे इनकी हेल्प हो सके, और इनका डिटेल जो दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में मिल लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना, और जितना आपसे हो सके उस कर देना, कोई भी हेल्प चाहे जॉब से रिलेटेड हो चाहे ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, जो भी आप कर सको, ठीक है? चलते हैं, चला लो पानी वानी डाल के बढ़िया से, ठीक है? टेंशन मत लेना।